हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे टूटी फूटी। टूटी फूटी बनाने के लिए तरबूज को हम इस तरह से काट लेंगे, उसके छिलकों को हटा देंगे अच्छी तरह से, इस छोटे छोटे कर। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस के रूप में कट कर लेंगे, जो है ऐसे हम देखिए इस तरह से कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस के रूप में। ये देखिए हम कट कर लिए हैं इसको, अब अच्छी तरह से इसको हम जो है पानी में धुल लेंगे। अब धुल कर हम इसको एक बाउल में जो इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम अच्छी तरह से पानी में धो लिए हैं और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। निकाल लिए हैं इसको, हमने जो गैस पे चढ़ा दिया या इंडक्शन पर भी लगा सकते हैं। इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम चीनी के लिए अर्थात चाशनी के लिए एक आधे ढक्कन के बराबर चीनी ले लेंगे। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए उबल चुका है। अब ये चाशनी को हम बना लेंगे। चाशनी को बनाने के लिए अब इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे, फूड कलर। आप किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें हम टूटी फूटी को डाल दिए हैं पानी से निकाल कर। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। इसको हम आधे घंटे नहीं तो 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट में ये पक चुका है। अब ये देखिए इसको हम छान कर निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हम धूप में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। धूप में रखने के पश्चात देखिए ये इस तरह से इसका कलर आ चुका है। और ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अब ये टूटी फूटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे काफ़ी टाइम तक 1 से 2 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।